जय हिंद दोस्तों। दोस्तों हम हैं चीन की मशहूर दीवार पर जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। चलिए आइए देखते हैं चीन की दीवार को। दोस्तों हम सब ने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी कि चीन की दीवार के बारे में तो सुना ही है, जो चीन में है और चीन का एक फेमस सिंबल भी है। वर्षों से चीन अपनी इस दीवार की वजह से भी जाना जाता रहा है। इस दीवार का चाइनीज नेम शनशन है, जिसका मतलब है लंबी दीवार। ऐसा कहा जाता है कि चीन की दीवार को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, लेकिन इस दीवार को अंतरिक्ष से नंग आंखों से नहीं देखा जा सकता। इस दीवार को हाईटेक गैजेट्स के द्वारा ही अंतरिक्ष से देखा जा सकता है। आज हम इस दीवार को धरती से ही देखेंगे। दी ग्रेट वॉल टूरिस्ट के लिए 1970 में ओपन की गई थी, जिसको देखने के लिए चीन के बीजिंग शहर से जाया जा सकता है। इसका सबसे नजदीकी पार्ट बदलिंग एरिया में है, जो बीजिंग से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रतिवर्ष करीब 1 करोड़ लोग इस दीवार को देखने के लिए आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि चीन की दीवार का निर्माण चीन को बाहरी हमलों से बचाने के लिए किया गया था, लेकिन इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग उन व्यापारियों से टैक्स चोरी को रोकने के लिए किया जाता था, जो चीन में बिना टैक्स दिए छुपकर व्यापार करने के लिए आते और जाते थे। यूं तो इस दीवार का निर्माण 2300 वर्ष पहले चीन शासन काल में शुरू हुआ था, लेकिन यह दीवार किसी एक राजा या शासन काल द्वारा नहीं बनाई गई थी। जिस दीवार को हम आज देखते हैं, उसका ज्यादातर भाग लगभग 500 से 600 वर्ष पूर्व मिंग शासन काल में बनाया गया था। इस दीवार को बनाने के लिए लोगों से इस कदर जबरदस्ती काम करवाया जाता था कि उनकी मौत हो जाती थी और उनको दीवार के नीचे ही दफना दिया जाता था, जिसकी वजह से इसको खूनी दीवार और सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहते हैं। माता की चढ़ाई चल रही है यहाँ। दी ग्रेट वॉल को विजिट करने के लिए बेस्ट टाइम अप्रैल, मई, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर है, और कोशिश करें कि चाइनीज हॉलीडेज या वीकेंड पर ना जाएं, क्योंकि उस वक्त यहाँ बहुत भीड़ होती है। हम जिस पार्ट में हैं वो है एंशियंट पार्ट बदलिंग एरिया का। यहाँ पर जो दो पार्ट बहुत मशहूर हैं, वो एक बदलिंग पार्ट है और एक मुत्यानु पार्ट है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं। बदलिंग एरिया में टूरिस्ट इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ पर आप बीजिंग से खुद से आ सकते हैं ट्रेन लेकर या बस लेकर, और जो मुत्यानु पार्ट है वो थोड़ा दूर है और वो बहुत ट्रिकी है जाने के लिए। पर जो सजेशन है वो ये है कि आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से वहाँ पर जो आपको बीजिंग एरिया में आपके होटल के आसपास या आप अपने होटल से ही यहाँ का टूर बुक करा लीजिए, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको होटल से पिक करेंगे और यहाँ पर आपको छोड़ देंगे। हम जिस पार्ट में हैं वो एंशियंट पार्ट है, यहाँ पर बहुत कम टूरिस्ट आता है, और ये उन लोगों के लिए है जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को अच्छे से फील करना चाहते हैं, जो यहाँ आराम से लेस टूरिस्टिक एरिया में आना चाहते हैं। जो मुत्यानु का पार्ट है वहाँ पर आप केबल कार से ऊपर जा सकते हैं और व्यूज़ को देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको खुद से पैदल चढ़ना होता है एंशियंट पार्ट पे। और बादलिंग जो पार्ट है वहाँ पर भी लोग खुद से ही पैदल जाते हैं, पर जो ज़्यादा फेमस है वो मुत्यानु वाला है, जो मोस्ट ब्यूटीफुल कहते हैं जिसको, वो मुत्यानु का एरिया है। पर चीन के लोगों का मानना है कि ये सारी जगह एक जैसी है, लाइक दिस आप कैसे भी देखेंगे तो आपको ऐसे ही सब जगह से नज़ारे दिखेंगे। अब चार चीज़ें यहाँ बहुत ज़रूरी हैं जो आपको आने से पहले ध्यान रखना है। एक तो वो ये है कि आपको अपने जो भी ट्रैवल एजेंट से जहाँ भी आप बुकिंग करा रहे हैं वहाँ पूछ लेना वो आपको कौन से पार्ट पर लेके जा रहा है। दूसरा, आपके शूज़ बहुत कम्फर्टेबल होने चाहिए, स्पोर्ट शूज़ हों तो ज़्यादा बेटर है। तीसरा, पानी और सॉफ्ट ड्रिंक्स जो भी आप लेते हैं वो आपके पास होनी चाहिए। चौथा, आप जो सनरेज हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, टैनिंग हो सकती है आपको, तो आप सनस्क्रीन अच्छा है अगर आप साथ रख लेंगे। पर पानी और स्पोर्ट शूज़ ये दो चीज़ें बहुत मस्त हैं। हो सके तो धूप से बचने के लिए अम्ब्रेला भी अपने साथ ले जाएं और फोटोज़ के लिए कैमरे की बैटरी फुल रखें। यदि आप मुत्यानु या किसी अन्य साइट पर ग्रेट वॉल को देखने जाते हैं और केबल कार का यूज़ करते हैं तो भी आपको पैदल चढ़ना पड़ता है, और केबल कार की टिकट पैकेज से अलग परचेज करनी होती है। केबल कार का टिकट प्राइस लगभग 1000 इंडियन रुपीज़ है। ये लगभग 21000 किलोमीटर में फैली हुई है, पर अभी इसके कुछ पार्ट्स अलग अलग हो गए हैं, किसी किसी पार्ट से ये ज़्यादा कनेक्ट नहीं है आपस में। तो खैर, यहाँ चीन वाले ये मानते हैं कि जो चीन की दीवार पर नहीं चढ़ा वो मर्द नहीं है।
और जो चढ़ता है वो हीरो होता है। ये जो पार्ट है चीन की दीवार का, ये ज़्यादा रिनोवेटेड नहीं किया गया, थोड़ा सा नेचुरल रखा है इन्होंने इसको। ये बहुत खूबसूरत है और एक अलग ही एक्सपीरियंस है अपने आप में यहाँ आना। बीजिंग से यहाँ आने के लिए जो टूर पैकेजेस हैं वो 250 युआन से लेकर 300 युआन तक हैं, लगभग कोई 2500 से 3300 रुपये तक इंडियन में हैं। पर आपको जो ख्याल रखना है वो ये रखना है, यहाँ आने से पहले उनसे आप कंफर्म कर लें कि आप कौन से वाले पार्ट पे ले जा रहे हो, बादलिंग वाले पे ले जा रहे हो, मुताइनू पे ले जा रहे हो या एंशियंट पे ले जा रहे हो। ये क्या करते हैं कि ये उस पार्ट पे ले जाते हैं जहाँ इनको सबसे सस्ता पड़ेगा या जहाँ पर इन्हें दूर नहीं पड़ेगा आना। कि यहाँ पर लगभग 30 लाख लोग इस दीवार को बनाते हुए अपनी जान दे बैठे थे। उस ज़माने में दो चीज़ें करनी होती थी उन्हें, या तो मंगोलियन से जाके फाइट करनी होती थी या चीन की दीवार पे काम करना होता था। तो ये लगभग कोई 230 साल में कंप्लीट हुई थी। दी ग्रेट वॉल की एक मशहूर कहानी चीन शासन काल की है। एक लड़की जिसका नाम मैन जियन नू था, उसके पति की ग्रेट वॉल पर काम करते हुए मौत हो गई और उसे दीवार के नीचे ही दफना दिया गया। तो मिन जियन नू वहाँ जाकर इतना रोई कि उसके आंसुओं से दीवार का वो हिस्सा ढह गया। जब राजा को दीवार के टूटने का पता लगा तो उसने सैनिकों को भेजकर मिन जियन नू को सजा देने के लिए बुलवाया, लेकिन उसकी खूबसूरती को देखकर उसे अपने साथ रहने को बोला। मिन जियन नू ने कहा कि अगर उसके पति का अंतिम संस्कार राजकीय तरीके से हो तो यह पेशकश मंजूर है। राजा ने उसकी बात मानकर उसके पति का अंतिम संस्कार करवा दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद मिन जियन नू ने उसी दीवार से कूदकर आत्महत्या कर ली। मिन जियन नू की याद में बाद में एक टेंपल भी बनवाया गया। अमेजिंग, कैसे बनाया होगा उन लोगों ने इसको, पता नहीं 21,000 किलोमीटर तक पूरे चाइना भर में ये फैली हुई बॉल है। और पैदल भी नहीं चढ़ा गया तो उन लोगों ने कैसे इतने भारी भारी जो ये पत्थर हैं और यहाँ पर काम किया, तो वाकई वो लोग हीरो थे। तो बिल्कुल खाली पड़ी है और ये जो एंशिएंट पार्ट है ये सबसे बेस्ट पार्ट है ग्रेट वॉल के एक्सपीरियंस को लेने के लिए। तो आप बच्चों के साथ तो नहीं आ पाओगे क्योंकि ये चढ़ना बहुत पड़ेगा और बच्चे थक जाएंगे। अगर आप अकेले आते हैं या फ्रेंड्स के साथ आते हैं तो आप इसी पार्ट पे आइए। ग्रेट वॉल का जिनचनलिन पार्ट भी अपनी ब्यूटी के लिए फेमस है और यह बीजिंग से 155 किलोमीटर की दूरी पर है। मिंग शासनकाल में चीन की रक्षा के लिए कोई 10 लाख सैनिक इस दीवार पर तैनात रहते थे और इस तरह की लगभग 7,000 चौकियां 300 से 500 मीटर की दूरी पर दीवार पर मौजूद थी, जहां से दुश्मन पर नजर रखी जाती थी। द ग्रेट वॉल की हाइट 16 से 46 फुट के बीच में है। ग्रेट वॉल टूर पैकेज में चाइनीज लंच इंक्लूड होता है, जो कुछ खास अच्छा नहीं था। टूर पैकेज के बिना खुद से ग्रेट वॉल पर आकर हम अपना कुछ पैसा जरूर बचा सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम खराब होगा और वो थका देने वाला होगा। टूर पैकेज के द्वारा बीजिंग से बैडलिंग या मोतियानू पार्ट पर विजिट करने में टोटल 6 to 7 आवर्स का टाइम लगता है। तो कुछ ऐसा था ग्रेट वॉल का सफर। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू।